गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। गुरुग्राम के अशोक बिहार में कंपनी की लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि कंपनी में काम के दौरान एक मजदूर का हाथ मशीन के अंदर आने से कट गया। मामला फेसे के गोविंद की एक गत्ता फैक्ट्री का है, जहां ये बड़ा हादसा हुआ, जिसके बाद घायल मजदूर को गुरुग्राम की ESI अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन मजदूर की हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने मजदूर को दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में रेफर कर दिया। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आखिर एक हेल्पर को कंपनी में मशीन चलाने के लिए क्यों दवा बनाया गया, जिसकी सजा एक गरीब मजदूर को मिली। और अब देखना यह है कि कंपनी पर क्या कार्रवाई की जाती है। देखिए रिपोर्ट। गुरुग्राम के गत्ता फैक्ट्री गोविंद पैकर्स में ये पहली बार मामला सामने नहीं आया है जब किसी मजदूर के साथ ऐसा हादसा हुआ हो, बल्कि इससे पहले भी एक मजदूर का हाथ मशीन में आने से कट गया था। इसके बावजूद भी कंपनी ने अपने फायदे के लिए एक मजदूर पर दबाव बनाया और उसका नतीजा आपके सामने है। वहीं 22 वर्षीय मजदूर का आरोप है कि मजदूर हेल्पर है, लेकिन मालिक ने जबरन दबाव डालकर उससे मशीन चलवाई थी, जिससे यह हादसा हुआ। वहीं एक मुहावरा है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जी हां, फैक्ट्री मालिक ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है। देखो जी, ये मालिक की कोई गलती नहीं होती इसमें। ये अपनी निगाह चुकाओगे, लापरवाही करोगे काम में, तो आस्था हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। आस्था ये लापरवाही की वजह से होता है, वैसे किसी में वो नहीं होता। आस्था, आप लापरवाही करोगे तो आस्था हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 5 साल हो गया सर। सर, मैं उस टाइम में मशीन पे नहीं था, मशीन वो भी चलाता था, वो भी कारीगर था हमारी तरह बराबर का, जैसे मैं कारीगर हूँ। तो उस टाइम उसके साथ में एक हेल्पर था और वो था, तो दोनों मशीन चला रहे थे और मैं इधर इस साइड दूसरा काम कर रहा था। तो उस मैं देखा भी नहीं क्या हुआ। जब हादसा हुआ उस टाइम मैं गया, देखा तो निकाल के मशीन में से हाथ निकाल चुका था। वो हाथ में उंगली लगी, उंगली कटी है, 4 दबी थी, 4 अंगूठा पूरा सेब बचा था। नहीं, मशीन में साइलेंसर वगैरह ब्रेक सब कुछ लगे हुए हैं, उसकी गलती से ही हाथ आया है। ध्यान नहीं दिया, बाकी मैं था भी नहीं दुर्घटना स्थल पर। बाकी हाथ आया, उसके बाद ESI हम हॉस्पिटल ले गए, वहाँ इलाज प्रॉपर हो रहा था, बाकी इनके भाई ने इलाज नहीं होने दिया। फिर कोलंबिया लेके गए तो वहाँ उन्होंने कहा कि हर 2-2 लाख रुपए 4 बार ऑपरेशन होगा। मैंने कहा भाई, मेरा इतना बहुत नहीं है, जो हो सकता है आधा पद्दा मैं देने के लिए राजी हूँ। उन्होंने बोला नहीं, पूरा ही देना पड़ेगा। फिर उनके किसी चाचा ने मेरे को धमकाया, बोला केस करूंगा। मैंने जी, वो आपकी राइट बनता है, आप कर सकते हो। फिर मैं सफदरजंग भी गया, पूरी रात भी रहा। उन्होंने मेरे को बोला जी, आप यहाँ क्यों आए हो, बदतमीजी से पेश आए। मैं फिर वापसी गया नहीं। वहीं गुरुग्राम के सेक्टर 5 थाने में पुलिस ने फैक्ट्री मालिक योगेंद्र सिंह राठौर के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि फैक्ट्री मालिक के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस मामले में क्या कार्रवाई करती है। वी न्यूज के लिए गुरुग्राम से आकाश खुराना की रिपोर्ट।